I always believe the most important work you will ever do will be within the walls of your own home. बचपन से ही मुझे घर सजाने का बहुत ही शौक था, बट कभी नहीं सोचा था ये मेरा पैशन बन जाएगा। इस चैनल में मैंने बहुत सारे होम डेकोर एंड DIYs के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। रिसेंटली मैंने लिविंग रूम टूर वीडियो आपके साथ शेयर किया था, एंड एज आई प्रॉमिस्ड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई डाइनिंग रूम टूर वीडियो विथ यू ऑल। एंड उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माई डाइनिंग रूम, बहुत ही मिनिमल एंड न्यूट्रल कलर से मैंने सजाया है। मैंने ये फील किया है अगर मैं अपने घर को बहुत ही न्यूट्रल कलर एंड क्लटर फ्री रखती हूँ, मुझे बहुत शांति एंड स्ट्रेस फ्री फील होता है। सो ये कॉर्नर मैंने अपने लिविंग रूम वीडियो में शेयर किया था, तो उसके साइड वाले वॉल पे यहाँ पे दो पोस्टर्स को मैंने फ्रेम करके लगाया है। ये म्यूजिक एंड डांस का कॉम्बो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साइड में है मेरा किचन का डोर, एंड उस पे मैंने ये DIY किया हुआ स्पैचुला लगाया। इस DIY का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। उसके बगल में है मेरा मंदिर और नीचे में कुछ पूजा के सामान मैंने रखे हैं। उसके नेक्स्ट में है ये बड़ा सा विंडो जहाँ से बहुत अच्छी लाइट आती है। यहाँ पे मैंने बॉटम रफल कर्टन्स लगाए हैं जो मैं एक इंस्टाग्राम स्टोर से लाई थी। डिटेल में मैंने लिविंग रूम टूर वीडियो में शेयर किया है। मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ से बहुत ही अच्छी लाइट मेरी डाइनिंग एंड लिविंग रूम में जाती है। उसकी साइड में है यहाँ पे एक कैबिनेट जहाँ पे मैंने सारे क्रॉकरीज के सामान रखे हैं, एंड ऊपर में कुछ निक नैक चीज़ों से सजाया है। यहाँ पे मेरा एक डांसिंग डॉल है जो मैं सूरजकुंड मेला से लाई थी, मुझे ये काफ़ी पसंद है। उसके पीछे में मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं, और साइड में है मेरा म्यूजिक सिस्टम, और यहाँ पे है मेरा एक केज जो पहले वाइट कलर का था, मैंने इसे पेंट करके येलो किया है, और इसके अंदर मैंने कुछ फेरी लाइट्स ऐड किए हैं जो रात को बहुत ही सुंदर इफेक्ट देता है। उसके साइड में बहुत मिनिमम चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंडल्स एंड एसेंशियल ऑयल, बिकॉज पार्टीज़ वगैरह में यहाँ पे मैं सारे क्रॉकरीज रखती हूँ। उसके ऊपर ये सेल्फ आप मेरे प्रीवियस घर में देखे होंगे, एंड यहाँ पे मैंने कुछ 100 पीसेस से सजाए हैं। और यहाँ पे है मेरा 4-सीटर डाइनिंग टेबल, इसे भी मैंने वाइट एंड टील कलर से सजाया है। ये टेबल क्लॉथ टेबल मैट्स मेरे ऑनलाइन शॉपिंग हॉल में सब मेंशनड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं बहुत सारा सामान नहीं रखती हूँ, नॉर्मल फ्रूट बास्केट, एक अचार का जार, कुछ नैपकिन्स, और इन सबको मैं एक ट्रे के ऊपर रखती हूँ ताकि मूव करने में ईजी होगा।
अपने चैनल में अपने डाइनिंग टेबल को किस तरह से सजा सकते हैं वो वीडियो भी मैं शेयर की हूँ, अगर आप चाहें तो वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरा फ्रिज जिसमें मैं बहुत सारे मैग्नेट्स लगाई हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं मैग्नेट्स कलेक्ट करती हूँ और उसे फ्रिज में लगा देती हूँ। मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर में मेरा यहाँ पे DIY किया हुआ ट्रे है जिसे मैं इस तरह से सजाई हूँ। सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और फुट मैट्स मैं अगेन वाइट एंड ब्लू कलर से ही सजाई हूँ जो मैं होम सेंटर से लाई थी। तो ये था मेरा डाइनिंग रूम का टूर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बट आपको मैं अभी दिखाती हूँ जब हम शिफ्ट किए थे तो ये घर किस तरह से दिख रहा था एंड अब किस तरह से दिख रहा है। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।